नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे हैमर मील के बारे में। जो हैमर मील होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करती है। तो हैमर मील जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे हैमर्स यूज़ करते हैं, हैमर्स यूज़ करते हैं और हैमर्स का यूज़ करके जो हमारा प्रोडक्ट हमें बनाना होता है पाउडर फॉर्म में वो बनाते हैं। तो जो मटेरियल है वो जाता है और उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको हैमर मील बोला गया है कि हम हैमर्स की हेल्प से उसको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो हैमर मील है इसको जो नेम दिया गया है वो कौन से कंपोनेंट के कारण दिया गया है। तो ये कंपोनेंट है, ये है रोटर, ये रोटर है जो कि रोटेट करेगा। तो ये एक सिलेंड्रिकल इस तरह का रोटर होता है, इस तरह का सिलेंड्रिकल रोटर। अगर हम इसका आगे यहाँ इस साइड से देखते हैं तो आपको इस तरह से गोलाकार में और इस तरह से हैमर लगे दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये इस तरह का सिलेंड्रिकल एक रोटर है जिसपे हैमर्स लगे हुए हैं। तो एक रो के अंदर काफ़ी सारे हैमर्स लगे हुए हैं, हर तरफ इसकी सरकमफ्रेंस में हैमर्स लगे हुए हैं, यहाँ यहाँ सारे को हमने हैमर्स के साथ कवर किया है। तो जो ये हैमर्स हैं वो एक सिलेंड्रिकल रोटर के ऊपर लगे हैं। ये जो सिलेंड्रिकल रोटर है ये बेल्ट के थ्रू, ये बेल्ट है, बेल्ट के थ्रू मोटर से कनेक्ट होता है। ये जो मोटर होती है ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मोटर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या किसी और मीन से भी आप इसको चला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो मोटर है इसके ऊपर एक पुली लगी है, ये पुली है, ये पुली है। तो जो ये पुली है ये हमारी कनेक्ट है बेल्ट के थ्रू रोटर से। तो रोटर जो जब ये मोटर रोटेट करेगी तो बेल्ट के थ्रू रोटर भी रोटेट होगा। तो हम हाइयर स्पीड या लोअर स्पीड कोई भी स्पीड पे इसको घुमा सकते हैं, उसी स्पीड पे हमारा जो ये रोटर है वो रोटेट करेगा। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वर्क पीस जो आएगा उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये है हमारा होपर, यहाँ से क्या होगी, फीड आएगी, फीड, फीड क्या आएगा, जो हमारा वर्क पीस, जो वर्क पीसेज हैं जो कि हमें पाउडर में कन्वर्ट करने हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपका, कोई आपका कंक्रीट हो सकता है, कोई आपका प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी चीज़ आप जो उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो ये हैमर मील है ये काफ़ी जगह यूज़ होती हैं, ये हमारी दवाइयों की कंपनियों में भी यूज़ होती हैं, ये हमारी फूड की जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी यूज़ होती हैं, जहाँ पाउडर बनाना होता है तो काफ़ी जगह पे ही यूज़ होती हैं। तो यहाँ फीड पे क्या आएगा, जो हमारा मटेरियल है कुछ भी ये हो सकता है, और ये बड़े बड़े इसके पीसेज होंगे, इस तरह के पीसेज होंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ये जो पीसेज हैं यहाँ पे आएंगे, अब ये रोटर रोटेट करता है हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करेगा। तो जैसे ही रोटेट करेगा जो ये वाल है, तो जब यहाँ पे ये पीस इसके हैमर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये इसे टकराएंगे, एक तो यहाँ भी टकराएंगे और फिर ये वाल से भी टकराएंगे, तो और तीसरा क्या है, आपस में भी टकराएंगे। तो तीन तरह का कोलिजन हमें मिलता है कि एक तो हैमर ने मारा वर्क पीस को, वो दूसरा वाल से वो टकराया, तीसरा आपस में भी टकराया। तो काफ़ी तरह की इम्पैक्टिंग हमें यहाँ पे मिलती है और काफ़ी तरह का एक्शन हमें यहाँ पे मिलता है जिसको क्रश करता है। तो जब ये टकराते हैं वाल के साथ, हैमर के साथ ये पीसीज, तो यहाँ पे ये टकरा टकरा के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे लगी है स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन बोलते हैं। ये जो स्क्रीन है ये एक छलनी के आकार की होती है। छलनी क्या है, मीन्स इसके अंदर जो ये स्क्रीन है ये डिफरेंट टाइप्स में पाई जाती है, जिसके अंदर होल का साइज हम डिसाइड करते हैं, छोटा भी होता है ये, बड़ा भी होता है, या फिर और लार्ज साइज हो सकता है। तो किसी भी तरह का जो साइज है वो स्क्रीन, इस तरह की एक छलनी यहाँ पे लगाई जाती है ताकि जो रिक्वायर्ड पाउडर है वही यहाँ से छन के बाहर आए, और यहाँ से होता है वो डिस्चार्ज। यहाँ पे लगी है कन्वेयर, ये कन्वेयर है जो कि जो हमारा पाउडर फॉर्म होगा उसको आगे जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको ये पहुँचाता है कन्वेयर के थ्रू।
तो यहाँ पे जो स्क्रीन है इसकी जगह पे और क्या लगा हो सकता है, इसको हम यहाँ पे ग्रेट बार्स भी लगा सकते हैं, लंबी लंबी स्टील की बार इस तरह की, सिलेंड्रिकल बार, और स्पेसिंग देके जितनी हमें स्पेसिंग चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, या ग्रेट उसको बोलते हैं कि जो अलग अलग तरह की सिलेंड्रिकल बार्स हैं उनको लगा दिया जाए, स्टील की बार्स होंगी और स्पेसिंग उनकी मेंटेन करती जाए, ताकि जो डिफरेंट जो मटेरियल की साइजिंग है वो यहाँ पे हम अलग कर सकें। तो यहाँ से अलग होके वो इस कन्वेयर बेल्ट पे जाती है और कन्वेयर बेल्ट उसको आगे ट्रांसफ़र करती है। तो इस तरह से ये काम करती रहती है, और कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होता है, जो पाउडर बनता रहता है, जो भी हमारा मटेरियल है उसका पाउडर बनता रहता है और उसको आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये एक डायग्राम है उसकी, और उसकी वर्किंग है, उसके पार्ट्स हैं। ये वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।